अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीवार थी हुजरे मुबारका की, वो कोई मार्बल और कोई उसके अंदर कीमती पत्थर नहीं लगा हुआ था, मिट्टी की दीवार थी। कल कियामत में पता लगेगा गरीब सिसकता रहा, यतीम तड़पता रहा, बेवाएं सिसकियां लेती रही, पकड़ो पाका की वजह से उम्मत की बेटियां अपनी इज्जत इफ्फत और पाक दामनी का वो सौदा करती रही, वो जिना करती रही, अपने जिस्म को जो है फरोख्त करती रही। और ये साहिब हैं कि घर के अंदर जो नल लगाया है वो नल की कीमत 40-50 हजार रुपए है, मार्बल उस पर पेशाब हरके गुलाब बनकर गिरता होगा, बादम का शीरा बनकर गिरता होगा, पाखाना सुंदर बनकर के निकलेगा ना जनाजा, उसी सबके खैरात के जनाजे के अंदर सवार किया जाएगा, इंपोर्टेंट 80 लाख की गाड़ी कड़ी की कड़ी रह जाएगी। बेटा अगर यूं कहे, दामाद कहे, पुत्र को कीमती कार नए नए मस्जिद का जनाजा होना, और जनाजा कैसे, फकीर ने 10 रुपए डाला, अमीर ने 100 रुपए डाला, बीच के जनाजे में गरीबों की वक्त की हुई जमीन, टैनरी रोड का, कुद्दूस साहब का, मैसूर रोड का, बिलाल के कब्रिस्तान के अंदर ये घर खास है, समरचल स्ट्रीट के अंदर कॉम्प्लेक्स है, जंगी रोड के अंदर, सब जरा का जरा रह जाएगा। और फरिश्ते किक मार कर पूछेंगे, तेरे खानदान की औरतें अपने पेट पालने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए इज्जत और आबरू का सौदा करती रही, और 3 बंगलों से तेरा जनाजा निकला है। मरना नहीं है साहब, मरना वो कौन की मर गए, लुत्फुल्ला साहब ऐसे ही मर गए, हाफिज हमजा साहब ऐसे ही मर गए, इनामुल हक साहब ऐसे ही मर गए, अब उस वो क्या की निश्चित से हम नहीं मरने वाले,